मेरे पास मैसेज आया था विवेक बिंद्रा की टीम से, इन्होंने कॉल पे जो मुझे बताया कि आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही क्या वियर्ड सी चीज थी। मतलब संदीप माहेश्वरी ही प्लेड इट वेरी स्मार्ट। एमएलएम स्कैम नहीं है, एमएलएम स्कैम कैसे हो सकता है यार। इनफैक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो तो और अच्छा काम करती है मेरे हिसाब से। एंड्रयू टेट ने क्या किया मेरे भाई, एंड्रयू टेट ने भी वही किया, एमएलएम वाले कोर्ट में क्यों घूमते हैं सर। क्या एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है? मैं दे देता हूँ आपको एक बिजनेस टिप, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा क्या हुआ। संदीप माहेश्वरी शो होता है, उसमें दो लड़के आए, उन्होंने एक स्कैम बिजनेस बताया जिसमें उन्होंने कुछ पैसे दिए और उन्हें एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं मिला। उनको लगा कि अंदर कुछ हमें बिजनेस करने की टेक्निक्स वगैरह मिलेंगी, वो मिला नहीं उनको। फिर उनसे आगे अपना ही कोर्स बिकवाने की कोशिश करी गई जिससे उन्हें कमीशन मिलेगा, तो इट्स लाइक अ पिरामिड स्कीम बन जाती है। और ये ना जो वीडियो आई थी इसमें कहीं भी किसी बंदे का जिक्र नहीं हुआ था। उसके बाद फिर एक कम्युनिटी पोस्ट आई संदीप माहेश्वरी की, माय टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माय लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इनफैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज्ड दिस स्कैम इन द वीडियो हैज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट, वी हैव ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग्स, आई हैव अ फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड, आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आवर सोसाइटी, आई नो दैट आई एम नॉट अलोन, ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग विद मी राइट। आप एक चीज समझो, ज्यादातर जो नॉर्मल शोज होते हैं उन पे एक डिस्क्लेमर होता है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इनसाइड द वीडियो और द शो, और खासकर वो जो पब्लिक है उनके व्यूज की जिम्मेदारी शो नहीं ले सकता, उनकी जिम्मेदारी वही लेते हैं। जैसे डेफेमेशन का जो केस होता है ना मोस्टली, तो डेफेमेशन का केस तो अगर ए और बी दो बंदे हैं, बी जो है वो क्राउड में है, ए जो है वो होस्ट है, और उसने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि शो में जो भी आ रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके व्यूज, तो डेफेमेशन का केस आप किसके अगेंस्ट करोगे, बी के अगेंस्ट कि ए के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो मोस्टली प्रेशर किसी पे अगर बिल्ड हो सकता है ना, बंदों पे हो सकता था। और इसीलिए ये ना द पर्सन हु एक्सपोज्ड दिस स्कैम इन द वीडियो हैज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स टू चेंज हिज स्टेटमेंट। एक और उनका कम्युनिटी पोस्ट आया कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, जो कि मुझे लगता है कि कोई खास फायदा उसका है नहीं, इसके बारे में और बात करेंगे। और मेरे घर पे आपने एम्प्लॉयज भेजे, वो भी एक बार नहीं बार बार, क्या आपको समझ में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? और मुझे अकेला समझ नहीं, गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, आपका नाम लेकर आपके बड़े बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनकी वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस और बनेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेफेमेशन का जो तार है ना, जो वो बहुत पतला तार है, और जनरल क्राउड को तो बड़ी ही मुश्किल होती है समझने में कि भाई ये तार कितना पतला है। जरूरी नहीं है कि आप यार यूट्यूबर हो या फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तभी आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक लेवल पे बताऊं ना, बंदे के खिलाफ क्रिटिसिज्म करना कुछ गलत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ही अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखो अगर एक जैसे मान लो कोई कोला का कोई प्रोडक्ट है, तो अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि कोला में इतनी शुगर डालते हैं, इतनी गंदा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं टेस्ट करता, तो इट्स काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अबाउट द ब्रांड। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोला जो है वो तो जहर है, तो यहाँ क्या है ना कि आप पे डेफेमेशन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि आप उसे जहर बता रहे हो और वो जहर नहीं है। या तो आप उस फैक्ट को प्रूव करके दिखाओ। हालांकि अगर डेफेमेशन का केस आप पे बिल्ड भी होता तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला जीत गया, अब केस चलेगा। और फिर इसमें क्या हुआ पूरे सीन में, फिर चाहे वो सीएम हो या पीएम क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो, पब्लिक से नहीं कोई जीत सकता। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। मतलब संदीप माहेश्वरी अपने जो वीडियोस हैं उनमें जो सिखाते हैं उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं, he played it very smart, और ये अच्छी बात है भाई। होता है ना कि when you are in a kind of a battle with someone, you have to use your brain। उसके बाद फिर विवेक बिंद्रा जी का रिप्लाई आया, I watched your latest video, big scam exposed, since you have confirmed it is related to me and my company, I feel that I should openly discuss it with my official ID, so that there is no confusion in the audience's mind। For entrepreneurs, I organized the largest event to date, Entrepreneurs Launchpad, where thousands of young entrepreneurs came and did not leave empty-handed। You blocked my number and ignored my humble request various times to talk to me, you deleted over 5000 positive comments about me, we stand with the entire YouTube community and we cannot even think of doing wrong to you, as for the matter of deleting videos, send a legal notice to influencers who speak without facts and take advantage of the opportunities is within my rights, so for the question whenever you call I will come, but I know you don't have the guts for it। मेरे पास भी एक मैसेज आया था विवेक बिंद्रा की टीम से, कोई धीरज करके हैं भाई, उन्होंने मैसेज किया था, दिस इज धीरज। फिर मैंने बोला यस, फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा टीम, मैंने बोला यस धीरज टेल मी, फिर कहते हैं कैन वी डिस्कस ओवर कॉल, फिर हमने कॉल पे बात की। इन्होंने कॉल पे जो मुझे बताया कि विवेक बिंद्रा से आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नया वो स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए तो बहुत ही क्या वियर्ड सी चीज थी भाई, मैं क्यों जाऊंगा। काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप बन गया ना कि इन्फ्लुएंसर्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। अरे भाई मैं इन चीजों से बहुत ऊपर हूं, माया से बहुत ऊपर हूँ, मैं क्या सवाल पूछने जाऊँ, मुझे कोई है ही नहीं सवाल। आई डोंट वांट एनी बिजनेस टिप्स फ्रॉम एनीवन एल्स। और फिर इन्होंने मेरे को बाद में भी मैसेज किया, फिर 27 अक्टूबर को 4 नवंबर को, मैंने रिप्लाई नहीं किया। एक और बात के जैसे चार्जिंग 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए, देखो कंज्यूमर राइट होते हैं कुछ है ना। अब इसमें ना देखो एक चीज समझो यार, कंज्यूमर्स भी कभी कभी चीजों का बहुत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने भी फिटनेस और न्यूट्रिशन का जो मैं काम किया करता था, मेनली मेरा काम जो था वो न्यूट्रिशन में था, तो मैंने वो प्रोग्राम बना के दिया। अब सामने वाला बंदा अपने आपको ओवर स्मार्ट समझता था, उसने प्रोग्राम लिया, मैंने मेहनत
करी, एक दो घंटे बैठ के आराम से उसको दिया। अब वो कहता भैया मेरा ना आंग में चोट लग गई, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप रिफंड कर दो। भाई तूने सारा काम तो मेरे से करवा लिया, अब तू रिफंड किस बात का मांग रहा है? तो कंज्यूमर राइट्स होते हैं, लेकिन सर्विसेज जो होती है ना, वो बंदा जो मर्जी चार्ज करे वो उस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे आप 5-star रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आपको 300 रुपए का समोसा मिलेगा, आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई 5-star में बैठा हूँ, चल वाइब है, सर्विस है, तो फिर भी 300 का नहीं बनता। लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि उसका अपना चार्ज है, वो आपको फोर्स तो नहीं कर रहा, इसका कोई लीगल के एग्जैक्टली नहीं बनता, लेकिन क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे मेन क्रिएट होती है वो आती है MLM की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की। एक और नोशन बना हुआ है लोगों में, MLM जो है वो स्कैम है, मैंने देखा भी लोगों को बोलते हुए, लेकिन MLM स्कैम नहीं है। MLM स्कैम कैसे हो सकता है यार, दुनिया की अच्छी खासी कंपनियां उस पर रन करती है, जैसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हुआ, एमवे हुआ, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं, और कुछ कंपनियों को अच्छा खासा फक्र है अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग जो वो करते हैं, और उनके मेन स्ट्रीम एड्स आपको दिखाई भी नहीं देते। अब ये कंपनीज इंडिया की थोड़ी है, जैसे अगर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो उसका $8.9 बिलियन का रेवेन्यू था पिछले साल 2022 में। अब इतना बड़ा रेवेन्यू वो भी बिना कोई खास मेन स्ट्रीम एड्स रन करे, आप समझने की कोशिश करो, जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम एड्स रन करे जाते हैं, डिओड्रेंट मारा लड़की गिर गई, लड़कियां चिपक रही हैं, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? इनफैक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो तो और अच्छा काम करती है मेरे हिसाब से, बस उसमें एक काइंड ऑफ अ फ्रॉड है जिसको मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बैन करती हैं, जो पिरामिड स्कीम्स के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लो आप गांव से हो, आपने देसी घी बनाया, आपके यहाँ भैंसे वगैरह बहुत पलती हैं, आपने देसी घी बनाया, आप चाहते हो कि अब उसे बेचा जाए, आप क्या करोगे कि आपने लोगों को बेचा, आपने उनसे बोला कि भाई आप अगर इसे आगे बेचते हो तो आपको भी कमीशन मिलेगा, आप भी एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ओनर बन जाओगे, उन्हें लगा कि यार प्रोडक्ट तो तगड़ा है यार, मैं इसकी तारीफ कर सकता हूँ, वो आगे करता है। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला पूरा सिस्टम है, ये तो अच्छी चीज हो गई ना, उसे जबरदस्ती की क्रिंज एड्स रन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे फालतू की जो मार्केटिंग होती है जिससे उल्टा गलत इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो MLM इज समहाउ अ गुड मार्केटिंग मॉडल, लेकिन जो प्रोडक्ट की बजाय रिक्रूटमेंट पे फोकस करने लग जाए वो गलत है। अगर मैं यहाँ पे देसी घी बेच रहा हूँ, मेरा जो मेन कोर वो क्या है, देसी घी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करने लग जाऊँ कि भाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेच रहा हूँ जिसका कोई वैल्यू नहीं, उल्टा मैं क्या करता हूँ, मैं बंदे जोड़ने की कोशिश करता हूँ अपने नीचे, वो और बंदे जोड़ेंगे, जो बंदे जोड़ रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीद रहे हैं, और जो कोर्स खरीदने की पैसे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, पिरामिड बन गया, उसके सबसे ऊपर बैठे वाले बंदे को नीचे वाले की ज्वाइन करने के पैसे मिल रहे हैं, और जो ज्वाइन कर रहा है वो कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है वर्थ वाइज। मनीष मिश्रा भाई बोल रहे हैं, आई थिंक इट इज विवेक बिंद्रा मिस्टेक, ही डिड नॉट नो दैट मनी कमिंग फ्रॉम सच कोर्सेज इज नॉट कमिंग फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ हिज कोर्सेज बट बिकॉज ऑफ हिज हाई सेल्स एंड दैट टू फ्रॉम MLM स्कीम। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता ना हो, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। एक नॉर्मल सा जो मॉडरेट ब्रेन वाला बंदा है उसे भी ये चीजें समझ में आती है कि उसका पैसा कहां से आ रहा है, तो स्मार्ट बंदा तो समझ ही सकता है। और आपको क्या लग रहा है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है ये सिर्फ विवेक बिंद्रा ने यूज करने की कोशिश की, एंड्रयू टेट ने क्या किया मेरे भाई, एंड्रयू टेट ने भी वही किया। उनमें और एंड्रयू टेट में इतना ही अंतर है कि छपरी जो है वो उन्हें पता ही नहीं है वो क्या बेच रहे हैं, वो बोल ही नहीं पाते। एंड्रयू टेट इज अ डैम स्मार्ट पर्सन, वो अपने आप को बेच रहा है, द आइडिया ऑफ एंड्रयू टेट। वही मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक एड रन हो रहा है, मान लो किसी चीज का एड रन हो रहा है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में एड रन करें, इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज है ना, उनको अगर लोकल लेवल के बंदे तक पहुंचना है तो उनको इतने सारे एड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और हर जगह का अपना एक इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी होता है, उनको हर किसी को अफोर्ड करना पड़ेगा। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में वो चीज आसान हो जाती है क्योंकि आप किसी को सैलरी नहीं पे कर रहे हो, आप उनको सिर्फ कमीशन पे करते हो, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ओनर्स ऑफ द बिजनेस। समहाउ इट इज अ गुड मार्केटिंग मॉडल, नॉट बैड मार्केटिंग मॉडल। तो ऐसे डायरेक्टली MLM को सीधा उल्टा बोल दिया, इससे ज्यादा अच्छा पता क्या होगा कि आप ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल्स ब्रीड को पहचानो, जो क्रिंज की घुट्टी पी के बैठे हुए, उन्हें शो ऑफ ही करना है या फिर ख्यालों की दुनिया में जीते हैं उस टाइप के लोग। और ये जो पूरी इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है, ये इंडोक्ट्रिनेशन हमारा हुआ है हमारे सिनेमा से, बॉलीवुड से, थिएटर्स से, और जो ये हमारी मीडिया है, हमें क्या दिखाया जाता है कि इसके पास डिग्री नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी बनाया इसने 1000 करोड़ की बिजनेस। आप समझने की कोशिश करो, मीडिया ने वो केस दिखाया, वो 1 in 1000 केस है, तभी तो वो ब्रेकिंग न्यूज है ना। पैसा आज भी IITians, IIM डॉक्टर्स इन्हीं के पास है, वो 1 in 1,000,000 या 1 in 100,000 केस होता है जो बिना कुछ पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर गया। MLM वाले कोर्ट में क्यों घूमते हैं भाई, वो डिपिक्शन दिखाते हैं कि वो अमीर है, वो ज्यादा कमाते हैं, वो ऐसे ही करेंगे, गाड़ी बाइक्स ऐसे ही करेंगे, चाहे वो एक दूसरे से मांग के करें। सर क्या एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है? जैसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को स्कैम बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? वो भी तो काइंड ऑफ वैसी चीज है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग ही हुई ना वो भी एक तरीके की। दे आर नॉट सेम ऑफ कोर्स, लेकिन समहाउ दे आर द मार्केटिंग मेथड्स।
चंदू सर, लेजिट वे फॉर स्टूडेंट टू अर्न मनी, प्लीज टेल। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं यार, देखो मैं दे देता हूं आपको एक बिजनेस टिप। हमारा देश ना आईटी एक्सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, और ये इंडिया का अच्छा नसीब था कि हम आईटी जायंट है, आईटी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे किसी को अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सारी चीजें होती है वो हम करते हैं, इंडिया वाले बहुत करते हैं, यूएसए के, जापान के क्लाइंट्स होते हैं इंडियन कंपनीज के। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखो कि ये आईटी में हुआ, अब आप सोचो ना कि आईटी सर्विसेज के अलावा भी तो सर्विसेज हो सकती है ना जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, मैंने जो न्यूट्रिशन का काम स्टार्ट किया था, मेरा जो अच्छा खासा रेवेन्यू आता था वो बाहर से आता था, इंडिया के बाहर से, क्योंकि उन लोगों के लिए मेरा प्लान अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल बात नहीं थी। अब ये अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन है भाई, आईटी सर्विसेज तो एक फील्ड है जहां पे हमने अच्छा खासा जायंट बना लिया, बाकी चीजें भी तो खुली पड़ी है आपके पास। बिजनेस आइडिया है, आप कुछ ढूंढ के लाओ, मेहनत लगेगी, लेकिन क्या पता आप बन जाओ भाई मल्टी बिलियनेयर। मेहनत करो, फिर ये सब चीजों में छोड़ो आधी रात में कैसे बने बिजनेसमैन। मेन चीज क्या है कि फिर वही सनातन अध्यात्म की बातें जिससे जिंदगी शॉर्ट आउट हो जाती है सच में सभी की। बिलीव कि देयर आर इनफाइनाइट opportunities available. Achieve whatever you want to achieve. Tell us about your life journey till now. Please don't ignore bro. 1 million हो जाएंगे अपने subscribers, तो शायद मैं उसमें ये question and answer session डालूं। भाई आपकी story बताओ, बताऊंगा भाई 1 million होने पे, आऊंगा करवा दो, कल करवा दो, कल ही बता दूंगा। तो that is it. See you in the next video.